हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ जिग्नेशा। आज हम वाटर कूलर के बारे में डिस्कशन करेंगे। जनरली ये तो आपने भी देखा होगा अपने स्कूल से, कॉलेज से, ऑफिस से एक्सेट्रा, वहाँ पे होता ही है। ओके, ये VCR सिस्टम पे ही काम करता है, जिसका मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम एक है जिसका काम क्या होता है, एक सिस्टम में से हीट लेके दूसरे सिस्टम में डालना। मान लीजिए हमारा सोर्स है, मान लीजिए हमारा रूम है, वो हमारा पहला सिस्टम है जहाँ से हमें हीट निकालनी है, और एनवायरनमेंट है जो हमारा सिस्टम टू है जहाँ पे हमें हीट डालनी है। तो हम उसके लिए बीच में एक रेफ्रिजरेंट यूज़ करेंगे, जो ये पॉसिबल करने के लिए हेल्पफुल रहेगा हमें। बस वही सिस्टम किस तरीके से वर्क करती है वो उसका मैंने वीडियो बना चुका है, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेम प्रिंसिपल पर ये काम करता है। अभी इसके कंपोनेंट के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, थर्मोस्टेट होता है, वाटर टैंक होते हैं जिसके अंदर हम वाटर फिल करते हैं, स्टोर करते हैं। एक हीट एक्सचेंजर होता है, ये जनरली कंडेंसर ही होता है। ये एक्सपेंशन वाल्व है, ये फैन होता है। यहाँ पे हम एयर कूल्ड कंडेंसर यानी एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं। ये कॉम्प्रेसर है, बेस है जिस पर ये वाटर कूलर रखा हुआ है। यहाँ से आउटलेट यानी हमें यहाँ पर नल होता है जहाँ से हमें ठंडा पानी मिलता है, और ये इनलेट ऑफ वाटर यानी जहाँ से हम वाटर को फिल करते हैं वाटर टैंक के अंदर। ओके, सबसे पहले तो क्या होगा कि यहाँ पे हम जैसे ही वाटर फिल करेंगे, यहाँ से हम पावर देंगे तो यहाँ पे कॉम्प्रेसर को जाएगा। कॉम्प्रेसर यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट है उसे कॉम्प्रेस करेगा, जिसके से उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये यहाँ से हीट एक्सचेंजर से वो कूल होगा। ओके, यहाँ से हमारा रेफ्रिजरेंट नीचे आया, गर्म होके कॉम्प्रेसर ने कॉम्प्रेस किया, फिर ये एयर फ्लो हुई जिसके से ये कूल हो गया। अब ये यहाँ से ऊपर जाएगा। ओके, एक्सपेंशन वाल्व की मदद से इसका प्रेशर हम रिड्यूस कर देंगे, और ये यहाँ पे जो कॉइल्स दे रखी है इसके आजू बाजू घूमेगा। वो क्या करेगा, जो वाटर टैंक के अंदर जो वाटर है उसकी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा और वाटर ठंडा हो जाएगा। वो हमें इंडिकेट कैसे पता चलेगा, तो ये थर्मोस्टेट दे रखा है। कंट्रोल करने के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं थर्मोस्टेट को, टेम्परेचर कितना है वो जान भी सकते हैं हम इसके लिए। और यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं वाटर का यानी आउटलेट। थैंक यू, और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना और शेयर करना मत।